बिहार के बाहुबली नेता और सिवान जिले के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन इन दिनों दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं और उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट से परिवार वालों से मिलने की इजाज़त के बाद शहाबुद्दीन ने बीते हफ्ते दिल्ली में ही अपनी पत्नी और बच्चे से मुलाकात की थी। खबरों के मुताबिक ये मुलाकात उनके एक करीबी के नई दिल्ली के गीता कॉलोनी स्थित ताज इनक्लेव के एक फ्लैट में हुई थी। इस मुलाकात दौरान वे भावुक भी हो गए। बताया जा रहा है कि अपने परिजनों से बात करते करते कई बार शहाबुद्दीन भावुक हो गए थे। दरअसल पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के पिता का इसी साल 19 सितंबर को निधन हो गया था, जिसके बाद पूर्व सांसद ने अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पैरोल पर अपने घर सिवान जाने की कोर्ट से अनुमति मांगी थी, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से कोर्ट मना कर दिया था। इसके बाद अब दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें दिल्ली में ही अपनी इच्छा अनुसार किसी जगह परिवार से मिलने की अनुमति दी। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह एक महीने के दौरान 3 दिन 6-6 घंटे तक शहाबुद्दीन को परिवार से मिलवाने की व्यवस्था करे। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट की अनुमति से दिल्ली में 3 साल बाद वे माँ पत्नी और बेटे बेटियों से मिले। लगभग 3 साल 2 महीने बाद शहाबुद्दीन ने पत्नी हिना शहाब, बेटा मोहम्मद उसामा, माँ और दोनों बेटियों से शहाबुद्दीन ने मुलाकात की। न्यूज़ डेस्क।